चुकी है, रिलीज आज हो जाएंगे, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पिछले दो साल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सांप सीढ़ी का खेल आम आदमी पार्टी के साथ खेल रही थी, षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र, षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र, कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को, पूरी पार्टी को जेल में रखो और तोड़ो, ये इनका इनकी स्ट्रैटेजी थी। बीच में लोकसभा के चुनाव आए, कई सारे चुनाव आए, इनकी स्ट्रैटेजी यही रही कि कैसे भी करके इनको जेल में रखो, इनको चुनाव लड़ने मत दो, इनकी पार्टी को तोड़ दो। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं और इतिहास गवाह है कि तानाशाही की एक सीमा होती है और इनकी अपनी एक लाइफ होती है, उसके बियॉन्ड इनका एक्सपायरी डेट तानाशाही का आ जाता है। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, ये तानाशाही के इनके एक्सपायरी डेट की शुरुआत है। जिस तरीके से आज मनीष जी को बेल मिली है और बेल के ऑर्डर में दो तीन चीज़ें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है कि आप आम जनता के साथ सांप सीढ़ी नहीं खेल सकते, आप एजेंसीज़ की तरफ से डिले हुए हैं, 6-8 महीने में जो पूरी होनी थी वो प्रोसीडिंग्स अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो पूरी तरीके से कोर्ट ने एजेंसीज़ को लताड़ा है और ये बताया है कि भाई दिस इज़ नॉट डन, आर्टिकल 21 का को हाईलाइट करके उनको बेल दी है। और ख़ास बात ये है कि वो अपना काम अच्छे खुले तरीके से पूरी तरीके से कर सकते, कोई कंडीशन नहीं लगाया है। मुझे ये उम्मीद है कि थोड़े दिन में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी आएंगे और बाकी के सारे लोग आएंगे और फिर से एक तरीके से जिस जोश के साथ आम आदमी पार्टी देश के लिए काम कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, फिर से वो काम और जोश शुरू हो। मनीष जी का कागज पहुंच चुका है वहां पर, बेल बॉन्ड से वो सारे एक्सेप्ट हो गए हैं, वहां पहुंच चुका है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर में ही सारे कागज वहां पहुंच जाएंगे और आधे एक घंटे ज़्यादा से ज़्यादा में वहां से उनके फाइनल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आज रिलीज होने के बाद वो सीधे केजरीवाल जी के घर जाएंगे, वहाँ पर मैडम है, उनके परिवार है, उनसे मिलेंगे, फिर वो अपने घर जाएंगे। कल का हमारा प्लान ये है कि कल सुबह लगभग 9:30 बजे राजघाट जाएंगे, राजघाट के बाद फिर मंदिर जाएंगे लगभग 10-10:30 बजे के आसपास, और 11-11:30 बजे के आसपास 11 बजे हमारी यहाँ पर एक छोटी सी गेट टुगेदर है जहाँ पर वॉलेंटियर्स आएंगे, बाकी के लीडर्स आएंगे और वो मीडिया और आप सबको एड्रेस करेंगे। सो ये प्लान है अभी। सर, दिल्ली में और हरियाणा में लोकसभा चुनाव है, असेंबली का चुनाव है, उसमें क्या रोल होगा मनीष जी का, क्या कोर्स ऑफ एक्शन अब होगा इनके बेल के बाद? मनीष जी हमारे नेता है, मनीष जी नेता है और फ्रंट से काम करेंगे, लीड करेंगे, गवर्नेंस के बहुत सारे काम यहाँ पर ये रोकने की कोशिश कर रहे थे। आपने देखा होगा किस तरीके से पूरी बारिश आई, उससे पहले गर्मी आई, ये हर तरीके से दिल्ली को पछाड़ने की और दिल्ली को दुख देने की कोशिश इन्होंने की है, उस पर कसर नहीं छोड़ी है। मनीष जी के आने से गवर्नेंस को बल मिलेगा और हम सबको बल मिलेगा और हम सब काफी है इनको निपटने के लिए। मनीष जी को सरकार में शामिल होने के लिए अभी भी वक्त लगेगा, सीएम खुद आएंगे उसके बाद होगा, गवर्नेंस में कैसे शामिल और कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनको देखते हुए क्या दिया जाएगा? मेरे ख्याल से एक बार ही आ जाए, फिर तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, सर है, ये सारे डिसाइड करेंगे। मेरे ख्याल